हेलो बच्चों, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, यानी वो चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, और चाहे आपका बायो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री जो है आप वहाँ पर विटामिन का भी टॉपिक है। इसलिए आज हम लोग ऐसा टॉपिक लाए हैं कि जो कॉमन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन से लगा के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको विटामिन का टॉपिक क्लियर हो जाए। और साथ में ध्यान रखिए, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, बट वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में क्लियर हो जाए। बिल्कुल देर नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। आपके सामने जैसा लिखा हुआ है, विटामिन की बात करें तो विटामिन की सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फुंक। फुंक ने सबसे पहले चावल की छीलन में इसको देखा था। दूसरी चीज है, विटामिन जो होते हैं जीवित कोशिकाओं को चलाने के लिए होते हैं, इनकी कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं, इसको कहते हैं अपूर्णता रोग। ठीक है, अब बात कर ले अगर हम विटामिन के प्रकार की, तो विटामिन बेटा दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। क्लियर है, वसा में घुलनशील विटामिन। और नंबर दो है जल में घुलनशील विटामिन। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन आपके वसा में घुलनशील चार विटामिन आते हैं, ए बी ई के। ठीक है, विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है। देखिए विटामिन एक कॉमन टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि ऐसा टॉपिक बना लिया जाए जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे पुनः फिर बोर्ड की ओर आते हैं। तो देखिए मैंने वसा में घुलनशील विटामिन कितने बताए, चार बताए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब क्या होता है, हम लोग क्लास सिक्स से लगाकर ही विटामिन पढ़ने लगते हैं, परंतु विटामिन में हम आज पढ़ाना, आखिर मैंने विटामिन का टॉपिक क्यों चुना, इसका रीजन बेटा ये है कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है ये सब, तो आपको ऑलरेडी आता है। आपको सीखना क्या है, आपको ये रासायनिक नाम जितने दिए हुए हैं ये सीखने हैं। आज केवल हमारा ये काम है कि हम जितना सीखे इन नामों को सबसे पहले रखें। ठीक है, तो विटामिन ए का नाम बेटा क्या होता है, रेटिनॉल होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप सही ढंग से उच्चारण कर सके। विटामिन ई का नाम है ट्रोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है एंथोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ए का नाम मैंने क्या बोला, रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम क्या बोला, कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम बोला, ट्रोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम बोला नेप्थोक्विनोन। अब विटामिन ए की कमी से आपको सबको पता है रतौंधी रोग हो जाता है, यानी जब शाम होती है तो प्रकाश क्या होता है, आंखें सही ढंग से देख नहीं पाती है, धुंधला सा दिखाई देता है, तो ये रतौंधी रोग हो गया। दूसरा क्या है, सूखा रोग हो जाता है, नीला रोग जिसे कहते हैं आप, रिकेट्स भी कई लोग कहते होंगे। इसलिए ये क्या होता है, ये विटामिन किसकी कमी से होता है, डी की कमी से। और विटामिन ई की कमी से जब उत्सुकता आ जाती है, यानी जनन प्रजनन क्षमता में सबसे कमी हो जाती है, ये रोग हो जाता है आपका विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की कमी से बेटा क्या होता है, रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से आपको क्या होगा, अगर आपके चोट लग जाती है तो ब्लड लगातार बहता रहता है, जिसकी वजह से रक्त का जो थक्का नहीं बनता है, वो विटामिन कौन सा जिम्मेदार होता है, वो विटामिन के जिम्मेदार होता है। अब देखिए स्रोत की बात कर ले, तो स्रोत में बेटा सबसे ज्यादा अगर आपको विटामिन ए लेना है तो गाजर खाइए, गाजर से अच्छा कोई विटामिन ए का स्रोत ही नहीं है। हरी सब्जियां खा लीजिए, हरी सब्जी तो एक ऐसा कॉमन है कि जैसे मैं आज का कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही आज हरी सब्जी एक ऐसी कॉमन है कि हर तरह के विटामिन हरी सब्जी में आपको मिल जाते हैं, मगर सबको हरी सब्जी पसंद नहीं होती है। पसंद क्या होता है, कुछ लोगों को आलू ज्यादा पसंद होता है, जैसे मुझे हरी सब्जियां पसंद ही नहीं है, आलू बहुत खाता हूँ, तो ये चीज होती है। मगर आप गाजर को सभी लोग खाते होंगे, तो गाजर का सेवन शुरू कर दीजिए, ठंड में गाजर बहुत आती है, इसलिए गाजर का सेवन करिए जिससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाए। मछली के तेल की गोलियां आती है विटामिन, जब रतौंधी रोग हो जाता है तो मछली के तेल की गोली दी जाती है, वहां पर विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। अब विटामिन डी का मैंने क्या नाम बताया, सैंडी कैल्सिफेरॉल। और रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग, सबसे ज्यादा विटामिन आपको डी लेना है बेटा, तो सूर्य का प्रकाश में आपको बैठना होगा, यानी सन बात करना होगा। बहुत देखा होगा अंग्रेज लोग लेट के सन बात करते हैं, सन में लेटे रहते हैं,
सूर्य के सामने लेटे रहते हैं उसे ही कहते हैं संवाद। वहां पर क्या करना है आपको, सूर्य के प्रकाश में बैठना है, दूध खाइए, अंडा खाइए, मक्खन खाइए, ये सब चीजें विटामिन क्या हो जाएगा, डी मिल जाएगा। विटामिन जो नपुंसकता का रोग है, प्रजनन क्षमता में जो कमी आ रही है उसको दूर करने के लिए चावल के छिलके का पर जो तेल होता है, यानी जो भूसी निकलती है उसका जो तेल आपको होता है उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, आपको विटामिन ई मिल जाएगा। सोयाबीन खाइए, जिसको बड़ी कहते हैं, खूब डाल के खाते हैं, वहां पर विटामिन ई की कमी हो जाएगी। विटामिन के में गाजर खाइए, हरा अंडा खाइए, ठीक है, साथ में हरी सब्जियों का, मैंने बताया आपको कॉमन है, हरी सब्जियों का सेवन शुरू कर दीजिए, विटामिन के की कमी आपको ऑलरेडी पूरी हो जाएगी। इस तरह आज हम बात कर रहे हैं केवल वसा में घुलनशील विटामिन की, अभी इसी टॉपिक इसी वीडियो में हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, अगला टॉपिक आपके सामने क्या है, जल में घुलनशील विटामिन का। तो चलिए बच्चों अगला जो हमारा हमने एक आपको बता दिया कि ये एक वसा में घुलनशील विटामिन है और दूसरा क्या है, हमने जल में घुलनशील विटामिन, तो अब हम बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन की। तो चलिए देखते हैं, देखिए जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन के ही विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन एच भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी के ही कई भाग होते हैं, एक होता है आपका विटामिन बी के, अगर भाग देखते हैं तो यहाँ विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, आपके नीट बोर्ड हर तरह के एग्जाम में। तो हम विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व की आज हम बात करने वाले हैं, तो और साथ में विटामिन सी की भी बात करेंगे। तो देखिए विटामिन बी का, देखिए मैंने पहले क्या किया वीडियो में आपसे, कि आपको देखना क्या है, आपको केवल आज और आज देखना है विटामिन के रासायनिक नामों को, इनको रट लीजिए, क्योंकि आप जितना रटेंगे उतना ही चीजें आपकी ज्यादा सरल होती चली जाएंगी। देखिए विटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन, विटामिन बी टू का नाम, देखिए मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही से आप बोल सके, विटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन, विटामिन बी टू क्या है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री क्या है नियासिन, विटामिन बी सिक्स क्या है पेरिडॉक्सिन, विटामिन बी ट्वेल्व क्या है साइनोकोबालामिन, और विटामिन सी क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब ये देखिए इसकी कमी से, देखिए विटामिन, पहले तो हम स्रोत की बाद में बात कर लेंगे, पहले रोग देख लेते हैं। विटामिन बी की बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें आपके जो मानसिक रोग होता है वो बेरी बेरी से रिलेटेड होता है। विटामिन बी टू की कमी से किलोसिस हो जाता है, जिससे आपके ओंठ के किनारे या गाल आदि जो फटने लगते हैं, ये विटामिन किसकी कमी से होता है, विटामिन बी टू की कमी से होता है, इसको किलोसिस कहते हैं, ठीक है। किलोसिस में हमने बताया आपके गाल ओंठ ये सब क्या होते हैं, किनारे, ये ओंठ के किनारे सब क्या होने लगते हैं, फटने लगते हैं। विटामिन बी थ्री की अगर हम बात कर लें तो नियासिन की कमी से, अगर देखा है नियासिन की कमी से पहली चीज तो ध्यान रखिए लो ब्लड प्रेशर, आपकी त्वचा पे क्या होगा, लाल रंग के चकत्ते टाइप के पड़ जाएंगे, ये विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। बी सिक्स की कमी से आपको कैंसर रोग हो जाएगा, एनीमिया, यानी आपके शरीर में रक्त में क्या होगी, कमी हो जाएगी। और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से भी क्या हो जाता है, एनीमिया यानी अराक्तता, ये आपको रोग हो जाता है, दोनों ही कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से बेटा क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, जब आपके कहीं चोट लग जाती है, छिल जाते हैं या कहीं ऑपरेशन होता है, तो उन घावों को भरने के लिए जितने आप खट्टे पदार्थों का यूज करेंगे उतनी जल्दी आपकी स्किन जल्दी से कवर कर लेती है। तो देखिए विटामिन बी वन जो है, विटामिन बी वन का स्रोत क्या है बेटा, अनाज है, अनाज के छिलके, दाल, दूध, यकृत यानी कलेजी आदि को खाइए, ठीक है। बहुत लोग नॉनवेज भी खाते हैं। विटामिन बी टू को, बी टू किसमें होगा, फल, सब्जी, सब्जी तो देखिए कॉमन है, सब्जी क्या है बेटा, एक कॉमन है, यकृत हो गया, मांस हो गया, फल हो गया, हरी सब्जी हो गई, फल सब्जी खाइए, आपको सब कुछ विटामिन मिल जाएगा। विटामिन बी बी थ्री किससे मिल जाएगा, मछली, मांस, अंडा, ब्रेड, ईस्ट, इन सब का सेवन करिए, खमीर जिसे कहते हैं। विटामिन बी सिक्स किससे मिल जाएगा, मटर खाइए, फलियां जितनी होती हैं, यकृत, मांस, दूध, मछली, ये सभी देखिए मैंने स्रोत को कॉमन जैसा आपको दिख रहा होगा। विटामिन बी ट्वेल्व इस सेम बिल्कुल सेम है, यकृत, मांस, दूध, मछली, मटर, और विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनको शुरू कर दीजिए, विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, आपके शरीर में जो भी घाव होंगे जल्दी जल्दी भरना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो संतरा खाइए, आंवला खाइए, इमली खाइए, और आप चाहे टमाटर खाइए, नींबू खाइए,
ये सब विटामिन सी की कमी को पूरा कर देते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मैंने बताया कि ये घाव जल्दी से भरने लगते हैं, वरना घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी वन का, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, बी वन का क्या नाम है थायमिन, बी टू का क्या नाम है लाइकोफेरिन, बी थ्री का क्या नाम है नियासिन, विटामिन बी सिक्स का क्या नाम है पेरिडॉक्सिन, विटामिन बी ट्वेल्व का क्या नाम है साइनोकोबालामिन, विटामिन सी का क्या नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। इस प्रकार हम विटामिन जो जल में घुलनशील है, ये जो विटामिन है ये सभी क्या है आपके जल में घुल जाते हैं, विटामिन ए ई डी के, ए डी ई के जो ये विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, और ये विटामिन जल में घुलनशील है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लियर होगा हो गया होगा आज विटामिन का। अगर मुझे आपको ये मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, साथ ही साथ ये वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए जिससे विटामिन का जो टॉपिक है और भी तेजी से बढ़ सके। चलिए आज के इतने काफी है, केवल इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में आपको कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।